जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जैसे कि YouTube पे वीडियोस अपलोड करना, ऐसा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मेरे लिए व्हाट इज़ माय व्हाई टू मेक वीडियोस फॉर YouTube। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, और उस टाइम जब आपको अपना वाई पता होगा तो वो वाई जो आपके पास रीज़न है वो चीज़ करने का, वो आपको मोटिवेट करेगा या एटलीस्ट आपको डिसिप्लिन में रखेगा ताकि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सको। अभी कुछ टाइम से मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 82 से मेरा वेट 82 पहुँच गया था, तो मुझे 82 से 75 के अराउंड जाना था। तो बहुत दिन ऐसा आया था जिस दिन मुझे डाइट पे चीट करने का मन किया, मतलब कि कुछ आलतू फालतू खाने का मन किया या कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो ओवर ईट करने का मन किया। बट मैंने उस टाइम अपने वाई के बारे में सोचा कि मेरा वाई क्या है, मेरा रीज़न क्या है इस चीज़ को करने का, कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, ओवर वेट नहीं होना चाहता और मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। और ये चीज़ मुझे अभी भी हेल्प करता है अपने डाइट को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी मैं 76 केजी पे आ चुका हूँ, बस 1 केजी दूर हूँ अपने डेस्टिनेशन से। अब बात करते हैं मेरे क्या रीजंस है जो मुझे मोटिवेट करता है यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहने का, चाहे व्यूज आए या ना आए। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में हूँ जहाँ पे काम करता हूँ, और काम अच्छा है वहाँ का, मतलब इट इज़ फाइन। बट उनके लिए काम करके मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये फील करता हूँ कि मैं अपने पूरे क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, या मैं जितना क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ वो चीज़ें दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ चीज़ें हैं जो हमें करना है और उसी चीज़ को फॉलो करके हमें अपना काम करना होता है। हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते जब हम कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब के लिए वीडियोस बना के या मूवीज़ बना के जिसमें मैं स्टोरी टेलिंग कर पा रहा हूँ, या मैं जिसमें कलर ग्रेड कर पा रहा हूँ अपनी मर्जी से जो मुझे पसंद है, या सिनेमाटोग्राफी अपने हिसाब से सोच पा रहा हूँ, तो ये मुझे मेरे क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। और दूसरा रीज़न है या जो मुझे मोटिवेट करता है यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते रहने का, वो है, मैं एक मिनट में आपको वो दिखाई देता हूँ। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप में से किसी को हेल्प कर सकती है या इंटरटेन कर सकती है। और जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं जिसमें आप बताते हो कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई, या आप कोई क्वेश्चन पूछते हो और मैं उसका आंसर देता हूँ कमेंट पे और फिर हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भाई मुझे दिल से खुशी देती है। और नेक्स्ट वाई है मेरा, आई वॉन्ट टू लर्न फिल्म मेकिंग। और इतने सारे वीडियोस बना के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। वीडियो को कैसे एडिट करना है वो तो सबसे पहली चीज़ सीखी है, वीडियोस को लाइट कैसे करते हैं, मूवीज़ में लाइट कैसे यूज़ होता है, या अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो या इंटरव्यू के लिए वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें लाइट कैसे यूज़ होता है, वीडियो कलर ग्रेड कैसे करें और क्यों करते हैं कलर ग्रेड, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका अगर मैं लिस्ट बनाने चलूँ तो हम यहाँ पे बैठे रह जाएंगे 1 घंटे के लिए, और तब भी मैं सारी चीज़ें लिस्ट नहीं कर पाऊँगा। और अभी मैं अपने स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ और उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिनेमाटोग्राफी हर वीडियो को शूट करने टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप डिफरेंस क्लियरली देख पाओगे मेरे अभी के वीडियोज़ में और पुराने वीडियोज़ में। इन सारे रीजंस के बाद भी एक बोनस रीज़न ये है कि जितना भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उतना ही मेरे को फिल्म मेकिंग या वीडियो बनाने का प्रैक्टिस होगा, कैमरे में बात करने का प्रैक्टिस होगा, खुद को प्रेजेंट करने का प्रैक्टिस होगा। तो जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियोस नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं पैसे नहीं कमा रहा यूट्यूब से, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रीज़न है जो मुझे हमेशा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और जिसने रीज़न दिया है कि मैं ये ब्लॉगटूबर चैलेंज करूँ, जिसमें मैंने ये सोचा है कि अक्टूबर मंथ में हर दिन मैं एक वीडियो बनाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहिए, या यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाना चाहिए, या मुझे फोटोग्राफी स्टार्ट करना है, प्लीज़ आप स्टार्ट करो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चला कि आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है।
और मैं आपको इंकरेज करता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में ऐड कर दो अपना क्वेश्चन, या मुझसे जो भी पूछना है पूछो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, अगर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। जो भी मुझे पता है उन सब के लिए मैंने वीडियोस बनाए, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे। मेरे इतने सारे वीडियोस में से कोई एक वीडियो आप में से किसी एक को भी हेल्प करता है, वो सोच के जो मुझे फील होगा वो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स है।